बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पांचवा क्वेश्चन जो है हम करेंगे, टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। क्वेश्चन कुछ यूं है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो कर रहा हूं, तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इनवर्ड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, यानी कि हमसे इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे। अब कहता है कि हमने दो पार्टिकल इसमें एंटर किए हैं, इधर से एक पार्टिकल जो है ये बी वेलोसिटी के साथ एंटर किया, लेकिन दूसरा पार्टिकल जो है दूसरा पार्टिकल जो है वो हमने ये दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम। तो कहता है कि दोनों पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप इनके चार्जेस के बारे में, जिनके इनके साइन है चार्जेस के, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। तो हम ये रिजल्ट के ये देखें, अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो एफ किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा था क्यू जो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। तो अब ये देखिए, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये बी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगी, रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और इसी तरह अगर ये पार्टिकल जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये देखिए फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। तो अब वी क्रॉस बी जो है वो तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट है, जिनके वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन बनती है फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। अब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये पार्टिकल जो है नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर एक पार्टिकल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं, ये रिजल्ट आस करते हैं कि दोनों चार्जेस जो है दोनों के चार्जेस की जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा जो है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी, व्हाई इज देयर नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन द चार्ज क्यू। अब कहता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। तो मैं तो याद रखे कई बात कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। और अगली बात ये देखिए कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वह इन दोनों के परपेंडिकुलर। हमने ये पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में कि जब ए और बी दो वेक्टर्स को उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है ये बी बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। बी बी प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि एफ जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। चलो ये देखिए, ये अगर एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, तो ये प्लेन बनता है हमारा, ए की प्लेन बनता है।
अब एक क्रॉस बी जो होगा इसका परपेंडिकुलर होगा सी के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सी जो है वो ए का भी परपेंडिकुलर है, बी का भी परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह ये फोर्स जो है वो बी का भी परपेंडिकुलर है, बी का भी परपेंडिकुलर है। अब अगली बात, वर्क किसके बराबर होता है? हम कहते हैं कि वर्क जो होता है वो एफ डॉट डी के इक्वल होता है, और ये हम कह सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब इस सिचुएशन में देखें, यदि कि एफ जो है वी के परपेंडिकुलर, अगर ये वी के परपेंडिकुलर होगा तो डी के भी परपेंडिकुलर होगा। मीन इस सिचुएशन में फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, मीन थीटा की वैल्यू जो यहां बनता वो है 90 डिग्री का, तो एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वर्क जीरो के बराबर है। यानी कि ये जो फोर्स है टू वी क्रॉस बी के बराबर होगी। यहां देखें वी की डायरेक्शन जो है वो ये, और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, एफ की डायरेक्शन ये, वी की डायरेक्शन ये। अब वी और एफ हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन वी और डी एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि अगर ये वी की डायरेक्शन है तो ये डी की डायरेक्शन होगी, और ये अगर वी की डायरेक्शन तो ये डी की डायरेक्शन होगी। तो F और D एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है, तो डेफिनेटली वर्क की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तब वर्क होगा, या उसके अपोजिट होगा। यह फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करवाए बॉडी के अंदर। अगर वो डिस्प्लेसमेंट अपनी फोर्स की डायरेक्शन में या उसके एंटी पैरेलल या फोर्स का कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसके जिनके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वर्क की वैल्यू जीरो के बराबर। तो यहां भी यही बात देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। और इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क जीरो के बराबर होगा तो चेंज इन एनर्जी भी जीरो के बराबर होगी। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। कहते हैं कि अगर एक हम रीजन लेते हैं स्पेस का और उसमें चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो के बराबर है? ये क्वेश्चन है हमारा 7। यानी कि कहता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है एक रीजन के अंदर से पास हो रहा है और वो किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो के बराबर होगी? तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे आर मे नॉट। क्यों बता? वजह ये है कि हम कहते हैं कि एफ जो होता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम लिखेंगे 2vb sin ऑफ थीटा। अब यहां देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि उसकी उसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। अगर b की वैल्यू जीरो हो, ये मैंने कहा मे आर मे नॉट बी इक्वल टू बी जो है जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। If B is equal to zero, इसका क्या मतलब होगा कि F जो जीरो के बराबर होगा और बॉडी जो है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगने की वजह से बॉडी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है ना कि अगर थीटा जो है वो जीरो डिग्री का हो या 180 डिग्री का हो, जीरो डिग्री का या 180 डिग्री का, तो क्या होगा? फिर भी तो एफ जीरो के बराबर आ रही है ना, क्यों? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो डिग्री, और साइन जीरो जो है आपको पता है जीरो के बराबर होता है, साइन जीरो जो है वो जीरो के बराबर, इसका क्या मतलब? यहां भी एफ की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। और इसी तरह अगर थीटा जो है
वो 180 डिग्री का होगा तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री आ जाएगा, साइन 180 भी जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ भी फोर्स जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी जीरो होगा तो भी चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। और अगर चार्ज पार्टिकल को हम इंजेक्ट कर देते हैं पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यानी कि इधर जो है मेरे पास एन पोल है, इधर जो है एस पोल है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो। अब इस डायरेक्शन में अगर एक पार्टिकल जो है उसको इंजेक्ट करते हैं जिनके वी की वैल्यू ये है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर फोर्स जीरो होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी, और यदि चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बेंड नहीं होगा। और इसके अपोजिट भी अगर हम ऑब्जेक्ट जो है ये चार्ज पार्टिकल जो है वो उसको इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो भी क्या होगा कि दोनों के दरमियान एंगल जो 180 डिग्री का बनेगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा पार्टिकल। यहां भी हालांकि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके बावजूद इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो के बराबर लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है किसी रीजन के अंदर स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है जा रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां लाजमी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर नहीं होगा तो फिर तो साफ लाया है फोर्स भी नहीं लगेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने के बावजूद भी चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर सकता है। वजह क्या है, वजह यह है कि अगर एंगल जो है वो थीटा जीरो के बराबर होगा तो साइन जीरो जीरो होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। और इसी तरह अगर एंगल जो है 180 डिग्री का होगा तो भी फोर्स जीरो के बराबर होगी। यानी कि अगर ये पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल इसको इस डायरेक्शन में इंजेक्ट करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जीरो होगी, अगर इस डायरेक्शन में इंजेक्ट करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्ट अपना फोर्स होगी वो जीरो के बराबर ही रहेगी और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet is brought near the screen? ये एक्चुअली एलईडी की बात नहीं कर रहा, जो पहले हमारे टीवी स्क्रीन हुआ करती थी, सीआरटी कैथोड ट्यूब हुआ करती थी, उसके मतलब बात कर रहा है। एक्चुअली ये चलो ये एलईडी जब बना रहे थे तो उस वक्त इसमें इसको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो है वो टीवी जो आ रहे हैं वो सीआरटी उसमें नहीं होती बल्कि उसमें एलईडीज या एलसीडीज होती हैं, तो उसका उसकी वजह से मैग्नेट का कोई इफेक्ट जो है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बच्चे जो कोशिश करेंगे मैग्नेट को करीब ला के लेके जाने की एलईडी के, तो लहर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बात कर रहा है ये यानी किताब जब लिखी गई थी तो मेरा ख्याल है उस वक्त एलईडीज या एलसीडीज का इतना रिवाज नहीं था, तो उस वक्त यही ये जो सीआरटी थी उसी के बनते थे ये टीवी वगैरह, और ट्यूब वाले जो बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे वो टीवी की बात की जा रही है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें बेटे ये देखे ये स्क्रीन जो होती है बेसिकली वो होती है सीआरटी का सर्किस, यहाँ में उसी तरह इलेक्ट्रॉन है यहाँ हिट करते हैं और इसका इंटरनल जो सर्फेस होती है उसको फ्लोरेसेंस मटेरियल से कोट किया जाता है, जिस तरह हमने वो पढ़ा है उसमें ऑसिलोस्कोप में, तो उसकी ये जो सर्फेस होती थी इसको फ्लोरेसेंस मटेरियल से कोट किया जाता था और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और ये इसको यदि सारी जो स्क्रीन होती थी उसको स्वीप करते थे। थोड़ा सा मैं जो बता देता हूँ कि ये स्क्रीन होती है ना, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह स्वीप करते थे ऐसे, और ये बड़ा फास्टली स्वीप करते थे यानी स्क्रीन के ऊपर, जिसके नतीजे के तौर पर कहीं पे डॉट बनते थे कहीं पे डॉट नहीं बनते थे। मीन ये डॉट बनना या ना बनना जो है वो डिपेंड करता था कि कहाँ बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं कहाँ हिट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ये इसके पिक्सल बनते थे तो तस्वीर बनती थी। अब ये देखिए यहां से इंटीरियर से इलेक्ट्रॉन में आ रहे हैं जो कि स्क्रीन को हिट कर रहे हैं। अब कहता है कि जब इसके सामने हम मैग्नेट लेके आते हैं तो ये जो
स्क्रीन है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, पिक्चर है डिस्टॉर्ट हो जाती, उसकी क्या वजह है? अब उसकी वजह ये देखें कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आएंगे तो ये देखें इलेक्ट्रॉन इसका स्लाइड कर रहे हैं उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से पिक्चर बन रही है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पे क्रिएट करवाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जहां पे हिट करना चाहिए थे उस पोजिशन पे हिट नहीं कर पा रहे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये बात समझ आ रही होगी, यानी कि ये फ्रंट व्यू है, यहां से हम देखते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन है इस तरह ये इस पे स्लाइड करते रहते हैं ऐसे, यानी कि पीछे से इलेक्ट्रॉन की बीम आती है। अब इसके सामने हमने मैग्नेट रख दिया, जब मैग्नेट रख दिया तो इसके अंदर ये इस तरह मूव करते हैं, जब ये मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो लहर के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है जहां पे हिट करना चाहिए थी स्क्रीन के ऊपर वहां पे हिट नहीं कर रही, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ये आप अपने एलईडी से तजुर्बा ना करना शुरू कर देना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कल मुझसे सवाल पूछे कि सर आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि पिक्चर डिस्टॉर्ट होती है, तो हमने तो देखा कि पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह ये जो क्वेश्चन है ये सीआरटी के लिए है, ये आम एलईडी के लिए नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है कहता है कि इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। डेफिनेटली ये कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक लूप जो है करंट कैरिंग लूप जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं लेकिन उसमें टॉर्क क्रिएट नहीं होता। तो ये देखिए हमने ये पढ़ा था कि ये अगर एन पोल है, ये एस पोल है, इसके अंदर एक क्वाइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक डायरेक्शन में, और इसमें ये क्वाइल हमने रखी हुई है, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है और इसमें करंट जो हम फ्लो करवाते हैं बेलफर्ज इस डायरेक्शन में, ये करंट आई इसमें एंटर होता है तो ये इधर जाता है और इधर से ये। तो हमने ये कहा था कि इसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर थी, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल क्रॉस सॉरी सिंगल कंडक्टर के लिए ना, तो हमने ये पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस ऑफ अल्फा। अब अल्फा क्या था, अल्फा बेसिकली प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल था, जिस तरह ये सिचुएशन में जो आपको दिखाई दे रही है इसमें अल्फा की वैल्यू जीरो के बराबर, और जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मीन यहां पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इसको रोटेट करके यहां रख दिया जाए, यानी कि कॉइल की जो पोजीशन है वो कुछ यूं हो जाए, ये रोटेट करके कॉइल जो है वो इस तरह आ जाती है, मैं शो करता हूं करने की कोशिश करता हूं थ्री डायमेंशन में, मेरा ख्याल है कि समझ आप लोगों को आ जाएगी कि अगर कॉइल जो है इसके परपेंडिकुलर आ जाती है इस तरह ऐसे तो क्या होगा, जाहिर है उस वक्त अल्फा की वैल्यू जो है यहां अल्फा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि हमने क्या किया ये मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल पर यहां भी इस तरह थी, अब इसको रोटेट करके यहां ले गए हैं, जब ये यहां ले गए हैं तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा जिसको हमने अल्फा से शुरू किया वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि यहां अल्फा जीरो है यहां अल्फा जो है 90 डिग्री का। अगर ये कॉइल इस तरह पड़ी हुई होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, टॉर्क आपके पास आ जाएगा एन आई ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, अब कॉस 90 किसके बराबर होता है जीरो के, इस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू जो होगी टॉर्क की वैल्यू होगी वो जीरो होगी और इस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहां टॉर्क की वैल्यू जीरो होने की वजह से क्या ये कॉइल रोटेट कर सकेगी, तो डेफिनेटली ये कॉइल रोटेट नहीं कर सकेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरियर कॉइल मौजूद है
लेकिन उसका टॉर्क की वैल्यू जीरो के बराबर है। इसमें रोटेशन का ट्रेंड जो है वो जीरो के बराबर होगा, टॉर्क जीरो होगा, मतलब ये रोटेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक बात आपने यहां नोट की होगी कि इस सिचुएशन में जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसका फ्लक्स किसके बराबर होगा, इसका फ्लक्स जीरो के बराबर, कोई भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं हो रही होगी। इसका मतलब जब फ्लक्स जीरो के बराबर होता है उस वक्त टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती, और यहां क्या होगा, यहां ये फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम है, टॉर्क जीरो, और यहाँ टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है, फ्लक्स जीरो, तो दोनों ऐसे समझ लें कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जिस पॉइंट के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम होगा वहां पे फ्लक्स जीरो होगा, और जिस पॉइंट के ऊपर टॉर्क है जीरो के बराबर होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या वो मैक्सिमम होगी। सर बच्चे का क्वेश्चन वगैरह ये दोबारा समझा दें, कौन सा वाला ये दोबारा, ये वाला, अच्छा अच्छा ये बाद में कर, चलिए ठीक है सर, चलो कर ही देते हैं। अब बोलो बाबा सर, 3 मिनट रहते सर वो फोन में क्लास, अच्छा चलो ठीक बेटे, ये देखिए पहले जी सर दस वाला कर देता हूं, फिर इसको दोहरा देता हूं मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आज ये खत्म कर ही दें। How can a current loop be used to determine the presence of the magnetic field in the given region of space? आपके पास एक करंट कैरी लूप है, उसको इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को किस तरह यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। इस सवाल को हमें रिपीट करना इसलिए मैं इसको अभी डिस्कवर नहीं करता, ये देखें बल्कि यही देखें कि अगर हम करंट कैरियर कॉइल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी। अब हो सकता है ये लूप जो है किसी सिचुएशन में हो, जाहिर है यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि लूप को मुख्तलिफ एंगल के ऊपर रीजन के अंदर यानी जिस रीजन के अंदर हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उस रीजन के अंदर मुख्तलिफ एंगल के ऊपर करंट कैरिंग कॉइल भी हम रखते हैं, उसका एंगल में तब्दील करते जाते हैं। अगर उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर रोटेशन का ट्रेंड नहीं है तो हम कहेंगे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसमें रोटेशन क्रिएट होती है तो डेफिनेटली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा। मैं अपनी बात दोहरा देता हूं, ये देखें कि अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है, या अल्फा एग्जिस्ट करता है लेकिन बी की वैल्यू जीरो है, तो टॉर्क हमेशा जीरो के बराबर ही रहेगा, चाहे अल्फा जीरो का हो चाहे अल्फा 90 का हो, बी के जीरो होने की वजह से टॉर्क की वैल्यू जीरो रहेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक करंट कैरियर कॉइल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं लेकिन उसके ओरिएंटेशन जो है वो तब्दील करते जाते हैं, कभी एक एंगल पर रखते हैं कभी दूसरे पे कभी तीसरे पे, और हर एंगल के ऊपर उसमें रोटेशन का ट्रेंड क्रिएट नहीं होता, तो हम कहेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर भी उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाती है जिसका मतलब ये होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है सर, How can you use a magnetic field to separate isotopes of chemical element? आप chemical element के isotope को separate करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? आपको पता है कि isotope जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक ही element के different atom होते हैं जिनका जहर है charge number या atom का number जो है वो तो same होता है लेकिन mass different होता है। मास डिफरेंट होने का क्या मतलब कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वेरी करती है। प्रोटॉन तो जाहिर है हर एक एटम के एक एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे उनके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद तो बराबर रहेगी, न्यूट्रॉन की तादाद जो है तब्दील होती जाती है। तो मैं अब ये इसको ज्यादा दोबारा ड्राइव नहीं करता, वो आपने एक रिलेशन पढ़ी थी ई बाई एम इज इक्वल टू V over RB। अब ये देखें जब एक चार्ज पार्टिकल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो डेफिनेटली क्या होता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से ये डेविएट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा,
ये ऊपर की तरफ यानी ये वी वेलोसिटी से एंटर हुआ तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब इसकी जो डिफ्लेक्शन है ये आर उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम इसका यानी एम की वैल्यू जो है वो आर के साथ उसको कोरिलेट करते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एम जो होता है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, ये देखें इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये आप बन जाएगा एम ओवर ई इज इक्वल टू आर बी ओवर बी। अब ई उधर ले लें तो एम किसके बराबर हो जाएगा, आर बी ई ओवर बी। अब देखें कि हमारा जो न्यूक्लियस है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि जिस एलिमेंट के आइसोटोप हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको पहले आयनाइज करना पड़ेगा, उसमें से एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन या निकालना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर है जो बाकी आइटम बचेगा उसके ऊपर पॉजिटिव ई के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। इसका मतलब यह है कि सब जो पार्टिकल यहां एंटर हो रहे हैं उसका चार्ज सेम है, बी भी सेम है, बी भी लास्ट से इंसर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मास जो है आर के प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सारी सारी क्वांटिटी जो कांस्टेंट है तो एम प्रोपोर्शनल हुआ। तो जिसका आर ज्यादा होगा जाहिर है उसका मास ज्यादा होगा, जिसका आर कम होगा उसका मास कम होगा। आर ज्यादा होने का क्या मतलब कि अगर इसमें कर्वेचर कम होगा, ये देखिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अब इसका रेडियस जो कम है इसका रेडियस जो है वो बढ़ गया, इसका रेडियस बढ़ गया, इसका रेडियस और बढ़ गया। तो अगर यहां से लेके ये देखिए यहां यह भी पॉइंट है, यहां से इंजेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ आइसोटोप को, तो जाहिर है यहां पे जब ये गिरेंगे तो जिसका मास कम होगा वो यहां गिरेगा, जिसका मास उससे ज्यादा होगा वो यहां गिरेगा, जिसका मास उससे ज्यादा होगा वो यहां गिरेगा, क्योंकि मास जो है रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें एक न्यूट्रॉन, तो चलो यानी कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन होगा जिसका मास जो है कंपैरेटिवली कम होगा न्यूक्लियस का, तो वो यहां गिरेगा। जिसमें एक ही बजाय दो न्यूट्रॉन होंगे वो यहां हीट करेगा क्योंकि उसका मास जो है पहले से ज्यादा है, और जिसमें तीन न्यूट्रॉन होंगे वो यहां पे गिरेगा। तो न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप बनते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तो सेम है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया ठीक है, इन्हें समझ आया तो आप क्वेश्चन कर लेना, कल इंशाल्लाह इसको मैं रिपीट कर लूंगा, लेकिन ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि बच्चे ने पहले ये पूछा है। तो मेरा